मैंने बचपन में सुना था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। ये कहानी सच्ची और अच्छी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बने रहना चाहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के इंसान की कहानी है। जब फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां देखते थे कि अमीरों के बच्चे आते थे, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स आते थे महंगी गाड़ी में उनको छोड़ने के लिए। उन बच्चों के पास में महंगे आइटम होते थे। रॉबर्ट के जो फादर थे वो एक टीचर थे, पीएचडी होल्डर थे, अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन कम कमाते थे। रॉबर्ट ने कहा, मेरे डैड तो पुअर डैड। रॉबर्ट घर पर गए एक दिन स्कूल से, परेशान होकर के यही सोचते जा रहे थे कि मेरे पास में ये सब चीजें क्यों नहीं है, मेरे पापा कार से छोड़ने क्यों नहीं आते हैं। जाकर के पापा से कहा कि पापा, अमीर कैसे बन सकते हैं? तो पापा ने कहा, यूज योर हेड, अपना दिमाग चलाओ। छोटा बच्चा फिफ्थ क्लास का क्या करता, अपने दोस्त माइक के पास में गया और उससे कहा कि आओ थोड़ा पैसा कमाते हैं। आसपास के एरिया में जितना टूथपेस्ट था, जितनी वो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है वो थी खाली वाली, उसको लेकर के आए। स्टील का बर्तन गैस पर रखा, गर्म पानी जो था उबलने के लिए छोड़ दिया, उसमें उसको डाल दिया और कुछ कोशिश में लगे थे। रॉबर्ट के फादर, रियल फादर जो है, घर पर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? तो रॉबर्ट कहते हैं कि पापा, हम मनी कॉइन्स बनाएंगे, इससे सिक्के बनाएंगे। हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये इल्लीगल है, ये नहीं करना चाहिए। फिर रॉबर्ट को लेकर के बैठते हैं अलग से और कहते हैं, बेटा तुमने उस दिन सवाल पूछा था कि अमीर कैसे बन सकते हैं। मैंने मेरी लाइफ में पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, एक नौकरी के बारे में सोचा, नौकरी करता रहा, पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं तो ख्याल ही नहीं आया। तुम्हारा जो दोस्त है माइक, उसके फादर बिजनेसमैन है, माना वो सिर्फ 8वीं पास है, मेरी तरह इतनी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन वो तुम्हें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। 9 साल का बच्चा माइक के डैड के पास जाता है, जिन्हें कहता है रिच डैड, और उनसे समझना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत होती है, 30 साल तक समझता है, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो उसे मिलती है और कमाल करके दिखाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसकी समरी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस छोटे से वीडियो में। लर्निंग सीरीज आप देख रहे हैं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। इससे पहले कि क्या सीखना चाहिए रिच डैड पुअर डैड बुक से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने इस बुक में ये भी बताने की कोशिश की कि मेरे जो फादर थे, यानी कि जिनको वो रिच डैड कह रहे हैं यानी कि दोस्त के फादर, और पुअर डैड यानी कि उनके रियल फादर, उनकी सोच में कितना डिफरेंस था। बचपन में वो बोलते हैं कि मैं सोचा करता था, कन्फ्यूजन था, क्योंकि मैं छोटा था, मैं समझ नहीं आता क्या करें, रिच डैड की सुननी चाहिए पुअर डैड की सुननी चाहिए, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों का जो एटीट्यूड था, जो पर्सपेक्टिव था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। हालांकि दोनों ही चाहते थे कि रॉबर्ट लाइफ में ग्रो करे। उनके पुअर डैड यानी कि रियल डैड जो थे वो ये कहते थे कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो रिच डैड थे उन्होंने ये लाइन कभी कही नहीं। जो पुअर डैड थे वो कभी भी डिनर टेबल पर डिस्कस करना पसंद नहीं करते थे पैसे के बारे में, लेकिन रिच डैड जो थे वो पैसे के बारे में डिस्कस करते रहते थे। जो रिच डैड थे वो ये कहते थे कि तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, मान लो तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे ले सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि तो मेरे बस की बात नहीं है और दिमाग को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, दिमाग उस बारे में सोचना ही बंद कर देता है, फाइल क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर आप रिच डैड की बात माने, उनकी बात को फॉलो करें, तो वो कहते हैं कि आपको अपनी ब्रेन को काम पर लगाना चाहिए कि इस चीज को कैसे खरीदा जा सकता है। जैसे ही आप दिमाग को ये कहते हैं, दिमाग अपना काम करना शुरू कर देता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होना जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहिए। पुअर डैड का यह मानना था कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और रिच डैड ये कहते हैं कि रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, एक टर्म है कैलकुलेटिव रिस्क, वो लेनी चाहिए। पुअर डैड कहते थे कि बहुत सारी पढ़ाई करो, डिग्री लो, एक सिक्योर्ड जॉब करो। रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वो सीखो, पैसे के लिए काम मत करो बल्कि उस पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। तो 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि इस बुक के जो ऑथर हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि रिच डैड की सुनेंगे, पैसों के बारे में सीखेंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। अब क्या सीखने समझने वाली बात है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। रिच डैड जो है वो ये कहते थे कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। आपने देखा है वो सेलिब्रिटीज, वो सिंगर्स, वो एक्टर्स जो कि एक समय में बहुत अमीर थे, करोड़ों में कमाई कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद में उनके पास में कुछ बचता नहीं है, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, जो एक महंगी लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे थे कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली नॉलेज नहीं गेन कर पाए, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाए और अमीर नहीं बने रहे। रिच डैड पुअर डैड बुक जो है आपको यही सिखाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में बहुत सारा अंतर होता है।
अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं, इस कैश फ्लो को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एसेट के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में समझना होगा। रिच डैड कहते हैं कि एसेट जो है वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, लायबिलिटीज जो है वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। अगर आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो एसेट आपको खरीदनी होंगी, अगर आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास लाइफ जीना चाह रहे हैं तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी होंगी। कोई भी अमीर आदमी चाहे पढ़ा लिखा ना हो, जैसे कि रिच डैड जो है वो सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन वो फाइनेंशियली लिटरेट होता है, फाइनेंशियली साउंड होता है, उससे सब कुछ मालूम होता है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कहाँ लगाना चाहिए और कितना मुझे बेनिफिट हो सकता है। हर आदमी की लाइफ में एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट को एक तो इनकम और एक्सपेंसेस में जो है उसको डिवाइड किया जाता है, जो बता रहा है कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। बैलेंस शीट में भी दो पार्ट होते हैं, एक एसेट होता है, दूसरा लायबिलिटीज होता है। तो आपके एसेट जो है आपके लिए पैसा बना रहे हैं, आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, जैसे कि जमीन है, शेयर मार्केट है, या आपने बॉन्ड्स में पैसा लगाया, या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लायबिलिटीज जो है इसका मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ लोन चुका रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का जो कैश फ्लो है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसकी सैलरी है, यानी कि तनख्वाह है। तनख्वाह एक तय समय पर आती है और जैसे ही आती है एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंसेस में उसे घर का किराया देना है, खाना है, कपड़े हैं, सारा का सारा पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता है, उसके पास में नील बटा सन्नाटा बचता है। गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखेंगे तो जो एसेट्स का कॉलम है वो हमेशा ब्लैंक रहता है, लायबिलिटीज में ही उसका सारा पैसा जो है चला जाता है, यानी कि इनकम आती है और चली जाती है, रुकता कुछ भी नहीं है। ये होता है गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी के कैश फ्लो को और मिडिल क्लास आदमी के कैश फ्लो को अगर आप समझेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पर भी एसेट का कॉलम खाली है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका एक सेट पैटर्न होता है, शादी हो जाती है, उसके बाद में किसी नए शहर में जॉब की तलाश में चले जाते हैं, वहां एक किराए का घर लेते हैं, किराए का घर लेने के बाद में लगता है कि अब अपना घर बनाना चाहिए, अपने घर के लिए पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। थोड़ा सा जो है वो एक डाउन पेमेंट की जितना पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं, फिर घर की जो है डाउन पेमेंट देते हैं, फिर शुरू हो जाता है लोन, और लोन तो चल ही रहा है, साथ साथ उस घर को सजाना चाहते हैं, इंटीरियर पर खर्चा करते हैं, फर्नीचर अच्छा लेना है, दूसरा सामान लेना है, कार अच्छी लेनी है। कुल मिलाकर के लायबिलिटीज का जो कॉलम है उसको भरते चले जाते हैं। कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बहुत सारे लोन जो है वो चलते चले जाते हैं। पैसा आता तो है, इनकम आती तो है सैलरी के रूप में, लेकिन वो सीधी आकर के लायबिलिटीज में चली जाती है, बचता कुछ भी नहीं है, एसेट का कॉलम पूरी तरीके से खाली रह जाता है। अब समझते हैं अमीरों का कैश फ्लो आखिर होता कैसा है। जो अमीर है उनका कैश फ्लो क्या होता है, अगर आप इनकम वाला कॉलम देखेंगे तो उसमें भी तीन चार चीजें हैं, सिर्फ सैलरी पर ही डिपेंडेंट नहीं है। इंटरेस्ट जो है उसका पैसा आ रहा है, कैपिटल गेन जो है उसका पैसा आ रहा है, डिविडेंड जो है उसका पैसा आ रहा है, रॉयल्टीज का पैसा आ रहा है, और जब बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो वही एक्सपेंसेस जो सबके हैं, टैक्स भी देना है, खाना भी है, कपड़े भी हैं, बच्चों के एजुकेशन भी है, ये सब तो है ही। लेकिन जब आप बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लायबिलिटीज में बहुत कम है और एसेट्स में बहुत सारा है। लायबिलिटीज में क्रेडिट कार्ड है और लोन है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोन तो आपको लेना ही है, आपके पास में खर्चा भी होगा तो आपको पैसा तो चाहिए ही। एसेट्स की अगर बात करें तो वहां पर स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत कुछ है, साथ में बिजनेसेस तो चल ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अमीर व्यक्ति होता है उसका सारा और सारा ध्यान होता है एसेट वाला जो कॉलम है उसको बड़ा करने में, जो गरीब है और जो मिडिल क्लास है उनको लगता है कि लायबिलिटीज जो हैं उसमें आनंद है, थोड़ा बहुत पैसा भी बच रहा है तो कहीं और खर्च करते हैं, घूम कर आ जाते हैं, पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, उन्हें उस पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर उनके पास में पैसा भी आ गया तो वो तुरंत उसे अपने पास से बाहर भेजना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर, कई बार तो बिना सोचे समझे डिसीजन लेते और वो ऐसी जगह पर पैसा चला जाता है कि जाकर के फंस जाता है। 10 साल 15 साल के बाद में देखते हैं तो उस पैसे से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है, वो उसी रैट रेस में, जिसे कहते हैं ना रैट रेस, उसी में घूमते रहते हैं, पैसा कमाना है, खर्चे हैं, वापस से पैसा कमाना है, खर्चे हैं, नील बटे सन्नाटा आखिरी में लाइफ हो जाती है। इसलिए हमेशा एसेट वाला जो कॉलम है उसकी तरफ ध्यान दीजिए अगर आप रिच डैड की सुनना चाहते हैं। अमीर लोग जो होते हैं उनका इनकम सोर्स तीन टाइप का होता है, पहला ऑर्डिनरी यानी कि सैलरी, वो तो है ही, दूसरा है पैसिव यानी कि रियल एस्टेट से जो पैसा कमाया है, जहां आप रहें ना रहें, ध्यान दें ना दें, पैसा आता रहेगा, और तीसरा है पोर्टफोलियो यानी कि शेयर मार्केट और सरकारी बॉन्ड से जो पैसा कमाया है वो भी। दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हों, चाहे इस बुक के ऑथर हों, चाहे जो फॉर्मर प्रेजिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सब अमीर क्यों बने, क्योंकि इनका पैसा, ये चाहे उस जगह पर थे या नहीं थे, पैसा ग्रो कर रहा था, पैसे से पैसा बनता चला जा रहा।
रहा था। जो आम आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास आदमी होता है, वो पैसे से सिर्फ और सिर्फ खर्चा करना जानता है, वो पैसे की नॉलेज नहीं रखता, फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो नहीं रखता, और इस चक्कर में उसे बड़ा सारा नुकसान उठाना पड़ता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी किस्सा शेयर करते हैं, वो किस्सा मैं आपको बताता हूँ। वो जो किस्सा है उसमें वो कहते हैं कि 1989 में मैं अमेरिका में जा रहता था, उसके पास से एक जगह से निकल रहा था तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो घर थे उन पर सेल के बोर्ड लगे थे, यानी कि बिकने के लिए वो तैयार थे। उस समय अमेरिका में रिसेशन आ गया था, शेयर मार्केट टूट चुका था और वहाँ की रियल एस्टेट जो मार्केट थी वो भी बहुत ख़राब हालत में थी। तो उन्होंने देखा कि एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का जो था बोर्ड लगा हुआ था। उस घर के मालिक से जाकर के मिलते हैं और पूछते हैं कितने में बेच रहे हो, तो कहते हैं कि मैंने तो बेचने के लिए लगाया लेकिन कोई ख़रीदार आ ही नहीं रहा है। तो रॉबर्ट पूछते हैं कि मुझे घर पसंद आ रहा है, आप क्या बोलते हैं कितने में? तो $20,000 में डील जो है फाइनल होती है। रॉबर्ट उस घर में किराएदार रख देते हैं, 2 साल तक किराएदार वहां रहते हैं, तब तक रियल एस्टेट का जो मार्केट था वापस से बूम पर आता है, वापस से ग्रो करने लगता है और उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है। रॉबर्ट 2 साल के बाद में $95,000 में उसे बेच देते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है और 2 साल में जब तक वो जगह वहां थी तब तक किराएदार रख करके वो पैसा भी बना लेते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि पैसे से पैसा बन सकता है। ये जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझ में आ गया और वो लाइफ में ग्रो करते चले गए। मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर बेच करके पैसा नहीं कमा रहा है, मैकडॉनल्ड्स जो है वो पैसा कमा रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की वजह से भी, क्योंकि आज उनके पास में पूरी दुनिया में बहुत सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज हैं। रिच डैड पुअर डैड में 3 कमाल की बातें बताई गई हैं। सबसे पहली, अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लर्निंग यानी कि सीखना जीवन की प्रक्रिया है और ये अनंत तक चलती चली जाती है, आप जितना सीखेंगे उतना कम है। फाइनेंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलतियां होती रहेंगी, हर गलती से सीखिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी, गलतियां उसी से होती हैं जो जीतने के लिए खेलता है। अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं तो गलतियां होंगी, गलतियां होने दीजिए, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए। और तीसरी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। और अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हैं, लिटरेट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आपको पढ़नी चाहिए रिच डैड पुअर डैड। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।